हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, आपका एटीएम कार्ड कहीं पे गुम हो जाता है, या फिर गलती से आपने कोई एटीएम कार्ड का पिन, सीवीवी नंबर या फिर कार्ड नंबर किसी के साथ शेयर कर दिया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि हम अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दें ताकि वो हमारे खाते से कोई भी फ्रॉड नहीं कर सके, हमको कोई भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़े, तो आप दोस्तों सिंपली आप अपने व्हाट्सअप से घर बैठे अपने मोबाइल से व्हाट्सअप के थ्रू वो काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आप सिंपली आप अपने व्हाट्सएप से अपने एटीएम कार्ड को जैसे चाहें वैसे बंद करा सकते हैं। दोस्तों, एटीएम कार्ड बंद करने के लिए तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है POS, जो POS मशीन होता है जहाँ पर हम कार्ड स्वैप करते हैं, उसको अगर बंद करना चाहते हैं तो वो अलग से बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर अपना कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे जहाँ पे एटीएम कार्ड का नंबर डाल के हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर उसको बंद करना चाहते हैं, जिसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं, उसके लिए अगर आप अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो ऑप्शन होता है कि एटीएम मशीन से कोई आपका पैसा निकालना चाहता है, तो उसके लिए भी आप एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी आपके एटीएम कार्ड से पैसा नहीं निकाल सके। दोस्तों, सिंपली आप अपना कार्ड ब्लॉक कराते हैं तो तीनों सर्विस अचानक से बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो आपका कार्ड एक्टिव भी रहेगा और कुछ स्पेशल जो पर्पस होते हैं उसके लिए ही आपका कार्ड जो होगा वो ब्लॉक होगा, बाकी सभी चैनल के लिए आपका कार्ड इनेबल रहेगा। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और दोस्तों मैंने जो है अपना व्हाट्सअप बैंकिंग पहले से चालू करके रखा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा का व्हाट्सअप बैंकिंग चालू नहीं किया है तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के व्हाट्सअप बैंकिंग को कैसे चालू करें और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फिलहाल दोस्तों, हम देखते हैं कि अपने डेबिट कार्ड को कैसे हम इजेबल करेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पर व्हाट्सअप बैंकिंग खोलने के बाद सबसे पहले आपको हाई लिख करके सेंड करना है। दोस्तों, जैसे ही आप हाई लिख करके सेंड कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन मिल जाएगा जहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आपको शो करेंगे। इसमें आपको दोस्तों तीन नंबर ऑप्शन जो है डेबिट कार्ड सर्विसेज, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है उसको हमको चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, तीन नंबर डाल के यहाँ पर इंटर कर देंगे। तीन यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा और तीन डालने के बाद यहाँ पे हमने सेंड कर देना है। दोस्तों, तीन सेंड करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग, एक नंबर से होगा। दूसरा मिल जाता है डिजेबल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, अगर हम कोई डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को बंद करना चाहते हैं तो हम दो नंबर ऑप्शन चूज करेंगे, या फिर कोई हम तीसरा नंबर से डिजेबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अगर हम कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ही बंद कर देना चाहते हैं तो हम तीन नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। फिलहाल दोस्तों, हम डिजेबल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर के कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम एटीएम से ऑनलाइन करते हैं तो उसको हम कैसे बंद करेंगे, तो उसके लिए आपको दोस्तों यहां पे दो नंबर ऑप्शन चूज करना है। दो नंबर ऑप्शन यहां पे डाल करके सेंड कर देना है। दोस्तों, दो नंबर ऑप्शन डाल कर जैसे ही हम सेंड करेंगे, यहां पे देखिए दोस्तों यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहां पे पहला जो ऑप्शन जो है एक नंबर डिजेबलिंग कार्ड फॉर POS, POS दोस्तों मशीन होता है जहां पे हम अपना डेबिट कार्ड को स्वैप करते हैं और स्वैप करने के बाद हम अपना पिन डाल के वहाँ से पेमेंट करते हैं। अगर उसके लिए आप बंद करना चाहते हैं तो एक नंबर ऑप्शन चूज करना है। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है डिजेबलिंग कार्ड फॉर ई कॉमर्स, मान लीजिए कोई ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे हम अपना कार्ड नंबर डाल करके पेमेंट करते हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर मिंत्रा हो गया, कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे हम अपना डेबिट कार्ड डालते हैं और डेबिट कार्ड डालने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसके लिए अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप सिंपली दो नंबर ऑप्शन डाल के यहाँ पे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। फिर तीसरा जो ऑप्शन दोस्तों डिजेबलिंग कार्ड फॉर ATM ट्रांजेक्शन, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे ATM कार्ड से कोई ATM यूज करके पैसा नहीं निकाल सके तो आप तीन नंबर ऑप्शन चूज कीजिए। आपका ATM कोई भी लेके जाएगा वो ATM से पैसा नहीं निकाल सकता है जब तक आप इसको पुनः चालू नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन है। दोस्तों, इसमें से कोई भी आप ऑप्शन अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। वो ऑप्शन यहाँ पे इंटर करने के बाद आपसे आपका OTP पूछेगा, आपके मोबाइल पे एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें एक OTP रहता है, वो OTP नंबर यहाँ पे डाल करके सेंड कर देना है। आप जैसे ही OTP नंबर डाल के सेंड कीजिएगा, आपका जो ATM कार्ड होगा आप जो भी सर्विसेज के लिए बंद करना चाहते हैं उसके लिए बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल टेनिथ।